विंडोज 11 एक काफी तगड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है एज कम्पेयर टू विंडोज 10 और विंडोज 11 ऑलमोस्ट अब बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। और विंडोज 11 जब से रिलीज हुआ है तब से कोई मेजर अपडेट हमको नहीं देखने मिला है, बट हाँ विंडोज 11 का 22H2 वाला वर्जन जो है वो एक मेजर अपडेट है जो आपको कुछ 20-30 दिन बाद देखने मिल जाएगा ऑफिशियली। बट हमने अर्ली एक्सेस मतलब बीटा वर्जन में हमने ट्राई कर लिया है और जितने भी फीचर्स हैं उनको ट्राई आउट किया है, और इस वाले वीडियो में हम आपको वही सारे फीचर्स बताने वाले हैं। लाइक कुछ कुछ चीज़ें विंडोज 10 के कंपैरिजन में विंडोज 11 में नहीं थी वो सारी चीज़ें आई हैं, और कौन कौन से बग्स फिक्स हुए हैं, कितना परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आपको देखने मिला है, सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यार अगर आपको भी विंडोज 11 का नया वर्जन जल्दी ट्राई आउट करना है तो आपको बीटा वर्जन में रोल करना पड़ेगा, और वहां पर आपको विंडोज 11 का 22H2 वर्जन वाला अपडेट देखने मिल जाएगा। आपको जस्ट डाउनलोड करना है, इंस्टॉल होने देना है और वहां पर आपको रिस्टार्ट कर देना है कंप्यूटर को। तो मैंने भी कुछ इसी तरीके से सारे प्रोसेस को फॉलो किया है, तो मैंने रिस्टार्ट कर लिया है और विंडोज 11 का नया वर्जन इंस्टॉल हो चुका है, और इनफैक्ट मैंने 2 दिन यूज भी कर लिया है तो मुझे परफॉर्मेंस का भी आइडिया आ चुका है। और यहां पर आप देख सकते हो, अगर मैं प्रॉपर्टीज में आपको दिखाऊं तो विंडोज 11 का जो वर्जन है वो 22H2 है। परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, परफॉर्मेंस में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, सेम परफॉर्मेंस है, बट हाँ काफी सारी चीजें चेंज हुई है। लाइक फाइल एक्सप्लोरर आप देख सकते हो, इसका स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है, यहाँ पर आप रिसेंट आइटम्स देख सकते हो, और यहाँ पर फोल्डर स्टाइल्स भी एकदम चेंज कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आप फोल्डर्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, अगर कोई फोल्डर एम्प्टी है तो उसका स्टाइल इस तरीके का है, और अगर कोई फोल्डर में फाइल है तो आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हो, तो पता लगाना अब इजी हो गया है कि कौन सा फोल्डर एम्प्टी है। बट अगर किसी फोल्डर में कोई फोल्डर है तो उसका स्टाइल आप देख सकते हो एम्प्टी फोल्डर के बराबर है। तो ये एक अच्छा अपडेट लगा मुझे, मैंने विंडोज 11 में कहा भी था कि ये एक ड्रॉबैक है, सारे फोल्डर्स का स्टाइल एकदम सेम है, तो ये एक ड्रॉबैक था जिसको फिक्स कर दिया है। और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर जो है वो वापस आ चुका है विंडोज 11 में। विंडोज 11 में पहले ये मिसिंग था बट नए अपडेट में ये आ चुका है, जैसे कि मैं किसी भी एप्लीकेशन को अब ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ टास्क बार में, तो ये अच्छी तरीके से चल रहा है, पहले नहीं चलता था। और एक और यूजफुल फीचर मुझे ये लगा कि अगर आप स्पीकर के आइकन पे जाते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिल जाता है जहाँ से आप साउंड आउटपुट को चेंज कर सकते हो। जैसे मेरा हेडफोन कनेक्टेड है बट मैं चाहता हूँ कि मुझे स्पीकर से आउटपुट चाहिए तो मैं स्पीकर पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर अभी मैं वापस चाहता हूँ कि मुझे हेडफोन से ऑडियो आउटपुट चाहिए तो मैं वापस से हेडफोन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये काफ़ी हैंडी सा फीचर है, पहले बहुत जुगाड़ करना पड़ता था, अंदर खुफिया सेटिंग्स में जाना पड़ता था इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए, बट ये सेटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगी है विंडोज 11 के नए अपडेट में। स्टार्ट मेन्यू में भी काफ़ी सारे चेंजेस है, लाइक मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को एज में डाल सकता हूँ और फोल्डर बना सकता हूँ, पहले ये मिसिंग था, और फोल्डर का आप नाम भी एडिट कर सकते हो, यहाँ से कुछ भी नाम रख सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। और स्टार्ट मेन्यू को अब आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, लाइक जो ये लुक है इसको आप चेंज कर सकते हो, आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर पर्सनलाइजेशन में जाना है और यहाँ पर स्टार्ट में जाना है और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होगा, तो मैं कहूँगा कि मोर पिंस वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैं अगर मोर पिंस पे कर देता हूँ सिलेक्ट तो यहाँ पर आपको पिंड एप्लीकेशन ज़्यादा देखने मिल जाते हैं, अगर आप मोर रिकमेंडेशंस पे करोगे तो यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन ज़्यादा देखने मिल जाएंगे, और डिफ़ॉल्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहता है। तो मैं कहूँगा कि ये वाला जो ऑप्शन है मोर पिंस वो ज़्यादा यूजफुल है, तो मैं इस पर ही यूज़ करने वाला हूँ। और टास्क मैनेजर का भी एक नया लुक आ गया है, डार्क मोड में आपको टास्क मैनेजर देखने मिल जाता है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस भी देखने मिल जाते हैं। टास्क मैनेजर का जो लुक है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया है, और किसी भी एप्लीकेशन पर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको एक एफिशिएंसी मोड देखने मिल जाएगा जहाँ पर आपकी रैम की यूसेज कम हो जाएगी और थोड़ा एफिशिएंट चलेगा विंडोज़ 11, तो ये भी आप ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। आपको न्यू स्नैप लेआउट का फीचर देखने मिल जाता है, किसी भी एप्लीकेशन को आप ड्रैग करो ऊपर की तरफ और यहाँ पर आपको बहुत सारे लेआउट्स देखने मिल जाएंगे, किसी भी लेआउट में आप स्नैप कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन को, तो ये भी फीचर जो है काफ़ी तगड़ा है। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो आपको 3 फिंगर और 4 फिंगर जेस्चर्स को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन देखने मिल जाता है, उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पर ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस में आपको जाना है, और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको टच पैड में जाना है और यहाँ पर एडवांस जेस्चर्स में जाना है, और यहाँ से आप कन्फिगर कर सकते हो 3 फिंगर और 4 फिंगर जेस्चर्स को। आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये काफ़ी हैंडी सा फीचर है, तो इसको भी ज़रूर यूज़ करना। आपको एक फोकस मोड भी देखने मिल जाता है विंडोज़ 11 में, अगर आप ये डेट एंड टाइम आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप फोकस मोड का जो टाइमिंग है उसको बढ़ा सकते हो और यहाँ से फोकस मोड में जा सकते हो, कोई भी आपको नोटिफिकेशन नहीं देखने मिलेगा। यार ये तो हो गए मेन फीचर जो मुझे लगा कि हाँ थोड़े यूजफुल है। अब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत ज्यादा कूल है बट जिनका रियल यूसेज कुछ भी नहीं है, तो वो फीचर्स भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसा जो फीचर है उसका नाम है स्पीच टू टेक्स्ट, उसके लिए आपको विंडोज प्लस एच दबाना है, एंड बेसिकली वॉट एवर यू स्पीक विंडोज 11 टाइप्स इट फॉर यू, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड जस्ट सी हाउ फ्लूइड इट इज, ऑल्सो इट विल टेक केयर ऑफ योर पंक्चुएशंस। सो या दिस वन इज कूल बट आई डोंट थिंक एनीवन इज गोना यूज दैट प्रोफेशनली।
जो नेक्स्ट यूजलेस फीचर है उसका नाम है लाइव कैप्शन। लाइव कैप्शन से आप कैप्शन को जनरेट कर सकते हो लाइव किसी भी ऑडियो या फिर वीडियो पर। तो मैं इसका एक डेमो आपको देता हूँ। आपको किसी भी वीडियो या फिर ऑडियो पर जाना है और विंडोज़ कंट्रोल और एल बटन को प्रेस करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो रेडी टू कैप्शन। यहाँ पर आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो सारे कस्टमाइजेशन को। यहाँ पर मैं अगर वीडियो स्टार्ट कर दूँ तो कैप्शन जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। Had a very good team. Yeah. So I played a lot of games. But still, यार मुझे कुछ ज़्यादा impressive सा नहीं लगा ये वाला फीचर, useless ही है। और जो last useless फीचर है उसका नाम है voice control। आप अपने PC को control कर सकते हो अपने voice से। तो उसके लिए आपको यहाँ पर accessibility में जाना है और यहाँ पर आप scroll down करोगे तो आपको speech में जाना है और यहाँ पर वॉइस एक्सेस जो है उसको आपको ऑन कर देना है। और अब आपको इस माइक्रोफोन वाले बटन पर क्लिक करना है और आप छोटे मोटे कमांड दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ओपन कंट्रोल पैनल, क्लोज कंट्रोल पैनल, ओपन विजुअल स्टूडियो कोड, क्लोज विजुअल स्टूडियो कोड। तो सिर्फ ऐसे ही छोटे मोटे आप कमांड दे सकते हो, बंद चालू कर सकते हो किसी एप्लीकेशन को। तो मैं इसका यूज़ क्यों करूँ, मैं तो अपना माउस पैड ही यूज़ कर लूँगा। तो यार ये थे कुछ मेजर अपडेट्स। और भी बहुत सारे जगह पे छोटे छोटे अपडेट किए, बट मैंने यार जो मेजरली चेंज हुआ है उन सारी चीज़ों को कवर किया है, हमने छोटी छोटी चीज़ों को कवर नहीं किया है। तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपका कुछ सवाल है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहाँ पर कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। और हम नेक्स्ट वाले वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।